मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर पुनः पुनः बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, और मेरी भी यही शुभकामना है कि आप सभी के जीवन के संकट नष्ट हो जाए, परमात्मा की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बरसती रहे। दोस्तों, आइए हम सभी चलते हैं सपनों का सैर करने। जी हाँ, सपनों का जो संसार है, और इस संसार में हर कोई जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ हम तब जाते हैं जब हम निद्रावस्था में होते हैं। तब हमारा शरीर जब सैया पर, बिस्तर पर पड़ा होता है, तब हम नई दुनिया में चले जाते हैं, और वहाँ कभी अच्छे तो कभी बुरे कार्य करते हुए अपने को पाते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे सपनों की दुनिया में। वैसे तो सपना हर कोई देखता ही है, और सपने में तो कुछ भी आ जाता है, लेकिन दोस्तों हमारे जागृति अवस्था से मतलब रखते हैं। जी हाँ, हमारे भविष्य में क्या कुछ होने वाला है उसका संकेत देकर जाते हैं, जिससे हम थोड़ा सतर्क हो पाएँ, सावधान हो पाए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, अगर सपने में आपने अखरोट देखा है तो उसका क्या फल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम बात करते हैं अखरोट की। दोस्तों, वैसे तो खाने पीने का पदार्थ हर कोई खाता पीता है, लेकिन अगर हम बात करें ड्राई फ्रूट्स में अखरोट की, तो बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसका जो आकार देखते होंगे, हार्ट की तरह होता है, हृदय की तरह बना होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे इसका स्वरूप है, दिखने में लगता है, वैसे ही हमारे हृदय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रतिदिन खाली पेट दो चार अगर आप खाते हैं टुकड़े अखरोट के, तो आप हार्ट अटैक से बच पाएंगे। बहुत सारे लाभ हैं अखरोट के दोस्तों। और अगर स्वप्न में आपके अखरोट दिखता है तो भी बहुत अच्छा है। दोस्तों, अगर आप टेंशन में हैं, आपके जीवन में जो व्यापार है वो भी नहीं ठीक से चल पा रहा है, दोस्तों उसका समय आ गया है। बहुत अच्छा है ये स्वप्न, यही बताता है हमको कि आपके धन में वृद्धि होगी, और आपके घर में, आपके जीवन में भी धन धान्य की बढ़ोतरी होने वाली है। जी हाँ, कमी नहीं होगी अभी तो ये बहुत अच्छा सपना। दोस्तों, मेरी भी ये शुभकामना है कि आपका दिन दूना और रात चौगुनी बरकत हो दोस्तों। और दोस्तों, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा। और कुछ सपनों के बारे में अगर आप भी हमसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों ज़रूर पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगी आप तक हर समाचार, हर जानकारी पहुँचाऊँ। तो दोस्तों, ये सफ़र यहीं नहीं ख़त्म होता, आगे भी मैं आप सभी से मिलती रहूंगी, लेकिन तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।